हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द टिप टॉप टेस्ट चैनल। तो चलिए रेस्टोरेंट को भी फेल कर देने वाली बर्गर बनाते हैं घर पे ही। तो बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले हमें उबले हुए आलू चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 4 आलू उबाल लिए हैं, जिनको मैं अपने हाथों के मदद से अच्छे से मैश कर लूँगी। अब मैश करने के बाद इसमें बहुत सारे मसाले ऐड करेंगे, ताकि ये बहुत अच्छे से मतलब एकदम चटपटा हो जाए। तो सबसे पहले मैंने सौंफ पाउडर डाला है, उसके बाद से धनिया पाउडर, उसके बाद से आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल लीजिए, फिर जीरा पाउडर, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, और अब एक छोटे से प्याज को बारीक काट के डाल लीजिए, उसके बाद से काला नमक और थोड़ा सा शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ, 3 से 4 हरी मिर्च भी डाल दीजिए। और अब इसमें हम डालेंगे सबसे लास्ट पार्ट, यानी चाट मसाला, जो बहुत ज़्यादा चटपटा होता है। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप डेफिनेटली इसको स्किप कर सकते हैं। अब इसमें धनिया का पत्ता भी काट के डाल देंगे, और इन सारे मसालों को अच्छे से आलू में मिक्स कर लीजिए, ताकि सारा आलू में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं थोड़ा वो नींबू का रस डालना भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पे, मेरे पास नींबू नहीं था इस टाइम, तो मैंने विनेगर यूज़ किया है। आप भी, अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप विनेगर डाल सकते हैं नींबू के जगह पे। तो अब इसे भी डाल के मैंने अच्छे से आलू में मिला लिया है। अब एक कटोरी ले लीजिए या फिर कोई सी भी प्लेट, और इसमें रिफाइंड ऑयल या फिर कोई भी ऑयल आप डाल के और हाथों में अपने रब करके, और आलू को लेके, जो बॉइल्ड आलू है जिसमें हमने मसाला मिक्स करके रखा है, उसको लेके गोल गोल सा टिक्की बना लीजिए। और आप ये बात ध्यान रखिएगा कि जितना बड़ा आपने बर्गर लिया है, जितना बड़ा आपने बन लिया है बर्गर बनाने के लिए, एटलीस्ट उसी साइज़ का बनाइएगा टिक्की को, वरना ये छोटा रहेगा तो भी उस दिक्कत होगा आगे, और बड़ा रहेगा तो भी बर्गर में सारी चीज़ें रखने के बाद वो फिसलता रहता है, इस वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप उसी के साइज़ का बनाइएगा। तो मैंने यहाँ पर सारी टिक्कियाँ बना ली है। अब मैंने पैन लिया है और इसको भी पहले से ही प्री हीट किया था, और इसमें तेल डालने के बाद भी मैंने तेल को बहुत अच्छे से गर्म कर लिया। उसके बाद से मैंने सारे टिक्की को ऐसे रखा है उस पर, मैंने इसे ज़्यादा गर्म किया, ताकि जो टिक्की होता है थोड़ा सा चिपचिपा टाइप है ना, तो नीचे से चिपके ना, वरना निकालने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो ये बहुत आराम से निकल जा रहा है। तो आप भी पहले प्री हीट करके फिर ही टिक्की को ऐसे भून लीजिएगा। तो टिक्की को तब तक भूनना है जब तक कि वो पूरा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो अब आप वीडियो में देख सकते हैं कि एकदम अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। और बर्गर में रखने के बाद तो ये और भी ज़्यादा लाजवाब और इतना चटपटा होता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो अब मैं आपको बर्गर का बन दिखा देती हूँ। ये मैंने बर्गर का बन लिया है, और ये जितना नॉर्मल साइज़ होता है बन का, उससे थोड़ा सा बड़ा ही है। तो जिस पैन पे आपने भुना था आलू की टिक्की को, उस पे ही बटर रख दीजिए। और मैं यहाँ पे 2 बन ली हूँ, क्योंकि मुझे 2 बर्गर बनाना है, तो मैंने 2 बन का 4 पार्ट कर दिया है। तो चारों पीस को यहाँ पे रख के, और मैं दोनों आगे की तरफ से भी और पीछे के तरफ से भी बटर लगा के अच्छे से सेक ली हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं सेकना है आपको, क्योंकि ये सेकने के बाद बहुत ज़्यादा नर्म हो जाता है ये ब्रेड, तो ज़्यादा सेकेंगे तो वो हर जगह से टूटने लगेगा। तो ज़्यादा नहीं सेकना है, बस हल्का सा कि उसमें बटर का टेस्ट आ जाए। तो अब इसको साइड में रख देते हैं। और अब मैंने वेजिटेबल्स ले लिया, टमाटर, खीरा और प्याज। तो अब इसको मैंने कद्दूकस की मदद से, ज़्यादा पतला भी नहीं हो और ज़्यादा मोटा भी नहीं हो, इतना मैंने काट लिया है बर्गर के बीच में रखने के लिए। तो आप बर्गर के नीचे वाले पार्ट को ले लेंगे और इसमें चीज़ स्प्रेड लगा देंगे। आपके पास अगर चीज़ स्प्रेड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास अगर मोज़रेला हो या फिर चीज़ स्लाइस हो तो आप उसको भी इसके जगह पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई चीज़ होना तो ज़रूरी है, तभी तो टेस्टी लगेगा। तो मैंने दोनों बर्गर के बेस पर लगा लिया है चीज़ स्प्रेड, और मैं रेड चिली सॉस भी लगा ली। अब मैं केचप लगाऊंगी, केचप ज़्यादा मुझे नहीं पसंद, तो मैं बहुत ही थोड़ा सा केचप लगाई। अब इसमें पत्ता गोभी का एक पत्ता डाल देते हैं, इससे ज़्यादा कुछ टेस्ट तो नहीं आता है, लेकिन ये हमारे सेहत के लिए हेल्दी होता है, इसलिए चलिए इसी वजह से इसको डाल देते हैं। अब इसमें हमने आलू की टिक्की भी रख ली है, फिर उसके ऊपर से प्याज, अब उसके ऊपर से पीस स्लाइस आएगा जो कि बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, उसके ऊपर मैंने खीरा रख दिया, और उसके ऊपर लास्ट में मैंने टमाटर रखा है। अब जो ऊपर वाला पार्ट है बन का, उसमें मैं मायनीज़ लगा दूंगी। मायनीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा ही लगाइएगा, क्योंकि मायनीज़ तो हर चीज़ में मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है।
तो मैंने दोनों बर्गर के ऊपर वाले पार्ट पे मेयोनीज़ लगा दिया है और ये बर्गर बन के तैयार हो गया है। उसको थोड़ा सा सजा वजा देते हैं, तो मैंने यहाँ पे मिर्च पाउडर से थोड़ा सा ऊपर मिर्च पाउडर छिड़क दिया और काला नमक भी छिड़क दिया, और मैं यहाँ पे केचप रख दी हूँ, बट वो इतने अच्छे से रखा ही नहीं है। तो बर्गर बनके तैयार हो चुका है। तो है ना ये रेस्टोरेंट जैसा, और दिखने में ही नहीं ये टेस्ट में भी रेस्टोरेंट से बहुत अच्छा था। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।